कौन कहता है कि ब्रेड से ओनली ब्रेड रोल्स एंड ब्रेड सैंडविच बनते हैं? ये देखिए आज हम ट्राई कर रहे हैं ब्रेड से बना हुआ गुलाब जामुन। आइए देखते हैं। वरहमतुल्लाहि वरकातुहू। ये देखिए ब्रेड से बना हुआ गुलाब जामुन। अब देखिए हम ले लिए हैं 4 पीसेस ऑफ ब्रेड, इनके साइडों के खचाखच निकाल लिए हैं और देखिए छोटे छोटे पीसेस कर लेके हम ग्राइंड करना है। ये देखिए हमारे पीसेस पूरे ग्राइंड हो गए हैं। फिर देखिए एक बॉल ले लेना है और उसमें डाल देना है। ये देखिए थोड़ा खरीबा जाएंगे, इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करना है। 1 कप ऑफ मिल्क लेना है, इसको गर्म करके फिर ठंडा करना है और इसमें ऐड करना है। फिर देखिए हाथ अच्छे से धोना है, गंदगी नहीं, अच्छे से हाथ धो के ये देखिए ऐसे मिक्स करना है। हमारा डो तैयार हो गया है। फिर देखिए हम लोग छोटे छोटे बॉल्स बनाना है। ये बॉल्स देखिए थोड़ा ऑयल और घी हाथ पे लगा के बनाना है। ये देखिए 4 ब्रेड स्लाइसेस से इतने हमारे जामुन तैयार हो गए हैं। ये देखिए नन्ना मुन्ना जामुन भी तैयार हो गया है। अब देखिए एक पैन और कढ़ाई लेना है, फिर देखिए इसमें ऑयल और थोड़ा सा घी ऐड करना है। फिर हमारे गुलाब जामुन को लाइन बाय लाइन इसमें छोड़ना है, ये देखिए ऐसे। YouTube फैमिलीज, मेरे रेसिपीज आप लोग को पसंद आ रहे या नहीं? इफ पसंद आए तो आप लोग एक कॉमेंट कीजिए, इस रेसिपी के नीचे एक कमेंट डाल दीजिए मुझे कैसे लग रहे हैं मेरे रेसिपीज। और ये ब्रेड जामुन भी आप लोग जरूर ट्राई करिए, इजी है, कोई मेहमान आ गए घर पे तो झटपट बनाने वाली रेसिपी है। ये देखिए हम लोग ऐसे साइड्स चेक कर रहे हैं कि जामुन हो गए या नहीं। इसको थोड़ा सबर से काम लेना है, स्पीड स्पीड करेंगे तो ये जामुन खुल जाएंगे और ये देखिए डबल का मीठा बन जाएगा। उसे लिए आप लोग धीमी आंच पे पकाना है। फिर देखिए हम लोग ऐसे धीरे धीरे से चेक कर रहे हैं। अब देखिए 1-2-3 मिनट के बाद ये देखिए ऐसे दिखेंगे ये, और देखिए इनका कलर तो जबरदस्त दिख रहा है। फिर देखिए बाजू में और एक एक पैन ले लेंगे, उसमें देखिए 2 कप्स ऑफ शुगर ले लेंगे और 2 कप्स ऑफ वाटर ले लेंगे, थोड़ा सा केसर भी डाल देंगे कलर के लिए। फिर देखिए इसको अच्छे से मिलाना है और एक 5-10 मिनट्स के बाद आप लोग का शीरा रेडी हो गया है। इसमें थोड़ा सा इलायची भी डाल देंगे हम। फिर देखिए गरम में ही हम लोग जामुन इसमें छोड़ देंगे, गुलाब जामुन। ये देखिए अब हमारे गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं। इजी एंड झटपट क्विक एंड इजी रेसिपी बन गई है हमारी। थोड़े ड्राई फ्रूट्स को कच काट लेंगे और देखिए ऊपर से छिनक देंगे, जबरदस्त दिख रही है हमारी ये रेसिपी। आप लोग भी ट्राई करिए, जरूर ट्राई करना। वाव, यमी यमी स्वीट डिश रेडी हो गई है। ये डिश आप लोग बगारा या बिरयानी के बाजू में दस्तरखान पे रखेंगे तो जबरदस्त दिख जाएगी। ये देखिए राउंड राउंड स्वीट स्वीट, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। झटपट बनने वाली रेसिपी आप लोग भी ट्राई करिए गाइस, और मुझे कमेंट में कहिए कि कैसी थी ये रेसिपी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए मेरे रेसिपीज को। फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हो और शेयर भी नहीं कर रहे हो कि अड़ोस पड़ोस फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को भी इस रेसिपी को शेयर करिए। और देखिए हमारे जामुन साहब उठ रहे हैं, ओ हो हो, नेक्स्ट बाजू वालों को उठा देंगे, उन्होंने नाराज होकर हट गए। ये देखिए हमारे गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं, लेकिन हाथ बहुत ही कांप रहा है। ये बिस्मिल्लाह कहिए और टेस्ट देखिए मेरा जामुन कैसा बना है, आप लोग को जरूर पसंद आएगा फ्रेंड्स। ये देखिए थोड़ा सूना सूना लग रहा है, तो हम थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालिए ऊपर से। जल्दी से जाइए लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और एक घंटा बजाइए टंग। अल्लाह हाफिज़। मैं YouTube फैमिली, दुआ में खास ख्याल। बाय बाय।